लोग मेरा हेल्थ बिल जमा नहीं करवाते, इनका मीटर काटना ही पड़ेगा। अबू बाहर के माँ मीटर काटने आए। मीटर काटने आया? आज इसको नहीं मैं छोड़ूंगा, ये फिर आ गया। चलो चलो जरा। हेलो, और रुको रुको भाई रुको, क्या कर रहे हो? इधर आओ जरा। क्या बजट, क्या बात है, क्या बात है? और ये मेरा मीटर क्यों काट रहे हो? अपना काम करने दो। ओ भाई इधर खड़े हो, मेरा मीटर क्यों काट रहे हो? मेरा मीटर क्यों काट रहे हो? अगर आप बिल नहीं जमा कराएंगे तो मीटर तो कटेगा ना। ओ मैं बिल जमा करवाता हूँ भाई। इस महीने तो नहीं करवाया? और नहीं करवाया तो अभी करवा दूंगा, दो दिन लेट हो गए तो क्या हुआ? हाय, यही दो दिन लेट हो गए तो पाकिस्तान की सत्यानाश की हुई है यहाँ। आप ना टैक्स देते हैं, ना बिल जमा करवाते हैं, ना कुछ, सत्यानाश होगी हमारे मुल्क की यहाँ। ओ भाई टैक्स हर चीज में टैक्स देते हैं, चाय का कप पीते हो उसमें भी टैक्स देते हैं। इधर टैक्स देते हैं, छिड़ू के तो आ जाते हैं। ये मैं बिल काटूंगा। ओ भाई कैसे काटोगे? ऐसे काटूंगा। रुको इधर, क्यों लड़ रहे हैं आपस में? आप लड़ रहे हैं, मीटर काटने आ गया मेरा। देखिए जनाब, आप मजबूत मुझे लग रहे हैं, आप तो मुझे मजबूत लग रहे हैं। इन्होंने इस महीने बिजली का बिल नहीं जमा करवाया, ये बिल मेरे पास मौजूद है, इनका मीटर कटेगा। वो मीटर क्यों कटेगा जी? एक तो इतने टैक्स लगे हुए हैं, अगर थोड़ा सा लेट हो गया तो मीटर काटने आ गए। शक्ल से आप मुझे मोहसर लगते हैं, मुझे लॉलीपॉप ना दे, आप समझे ना। आपने बिल जमा नहीं करवाया, मीटर कटेगा आपका। देखो यार, देखो मेरी बात सुने जी, मेरी बात सुने सर। हमारे मोहल्ले में ना आपका एक अफसर रहता है, बाबडा में होता है। अच्छा, हम उससे बात करते हैं। अच्छा। तब तक आप मीटर ना काटे, हम बात करके आते हैं। नहीं जी नहीं, मुझे, मैं मुलाजम हूँ, मैं गवर्नमेंट का मुलाजम, मुझे जैसे ऑर्डर हुआ मैं वैसे आप मुलाजम है मानते हैं, लेकिन हमारे मोहल्ले का हम बात कर ले तो कोई हार तो नहीं आपकी, आपके महकमे का है वो बंदा। कितनी देर लगेगी? बस हम गए और आए, जल्दी करें जरा। तब तक मीटर ना काटिएगा, गरीब बंदा है, ठीक है? आओ आओ। मैं गवर्नमेंट का मुलाजम हूँ, इनका मुलाजम नहीं हुआ। नहीं नहीं ठीक है, आप सही कह रहे हैं, बस वो गए हैं ना बात करने। देखिए भाई साहब, बिल जो है ना हर पहली की पहली तारना होता है, जमा करवाना होता है, ना करवाएंगे तो गवर्नमेंट पे बोझ पड़ेगा। आओ जी बात कर लेते हैं, हो सकता है काम हो जाए। सर जी, वो हमारे गांव का नूरा नहीं है, उस बेचारे का मीटर काटने आए, तो प्लीज अगर आप उनको मना कर दें। मैं उन्हें कैसे मना कर सकता हूँ? उसने बिजली का बिल जमा नहीं कराया होगा, इसलिए मीटर काटने आए हैं वो। सर जी वो गरीब बंदा है बेचारा, छोटे छोटे बच्चे हैं उसके, बहुत गर्मी है, आप कुछ करें ना सर। वो छोटे छोटे बच्चे हैं तो मैं क्या कर सकता हूँ? अगर आप लोग बिजली का बिल जमा नहीं करा सकते तो हाथ वाले पंखे ले आओ। हाथ वाले पंखों का मशवरा दे रहे हो, तो दो दो एसी लगा के सो रहे हो। ओ मैं दो दो एसी लगाऊं या चार चार एसी लगाऊं, तुम कौन होते हो? हैं भाई बात सुनो, बिजली का बिल जमा कराओ, ठीक है? और मैं आप लोगों की कोई मदद नहीं कर सकता, जाओ यहाँ से। यार वो कितनी देर लगाएंगे? मैं मीटर काटने लगाऊं, मैं किसी का नौकर नहीं हूं। अच्छा देखें भाई साहब, वो दो मिनट ठहर जाए, वो आते होंगे। वो आ गए जी, क्या फैसला हुआ जी? वो नहीं मदद करना चाहते जी। ठीक है फिर, मेरी जो ड्यूटी है मैं मीटर काटूंगा, मैं किसी का मुलाजम नहीं हुआ। आप 5-7-10 चक्कर लगाएंगे ना वापा के, तब मैं दोबारा मीटर लगाऊंगा। छोड़े थे आप, अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, ये स्किट बनाने का मकसद यही था कि आप गरीब लोगों का कुछ एहसास किया करें। हम ये मानते हैं कि अगर बिल लेट हो जाए तो मीटर काटना आपकी ड्यूटी है, लेकिन बिजली इतनी महंगी है कि कोई ना कोई प्रॉब्लम, कोई ना कोई मजबूरी हो सकती है जिसकी वजह से गरीब लोग बिल अदा नहीं कर सकते। अगर बिल लेट हो जाए तो मीटर ना काटा करें, क्योंकि घर में बच्चे, खवातीन और बीमार बुज़ुर्ग होते हैं, कुछ थोड़ी बहुत मोल दे दिया करें। थैंक यू वेरी मच।